Sat Sri Akal, all of you present here watching this video. So today I am going to share a very easy recipe with you all, a Chinese recipe of making momos, veg steam momos. So this is the easiest recipe in my checklist, so hope you will like this recipe. So let's begin. Okay, so let me start with kneading the dough. आप सबको एक बाउल चाहिए. सो अभी मेरे पास मेजरिंग कप्स हैं यहाँ पर. अगर आप मेजरिंग कप्स आपके पास नहीं है तो आप एक नॉर्मल बाउल को भी यूज़ कर सकते हैं. सो लेट्स बिगिन. ओके, सो वी हैव टू यूज ऑल पर्पज मैदा. आई एम गोइंग टू पोर 1 कप मैदा ओवर हेयर एंड I am going to use 1/2 tablespoon of ghee. If you have no ghee, so you can also use this type of oils. This is kokosol oil I have, but I think so कि अगर हम घी use करेंगे तो इसके ऊपर Indian touch भी आएगा. So let me mix it with my hands. ओके, सो लाइक दिस. अभी मैंने इसे अच्छे से अपने हैंड से मिक्स कर लिया है. मेक श्योर हैंड्स क्लीन हो. तो अभी मैंने इसे मिक्स कर लिया है एंड लेट मी क्लोज दिस. अब आप इसे नॉर्मल पानी के साथ गूंथ लें. ओके, सो यू ऑल कैन सी कि मेरा सॉफ्ट जो डो है वो लग के तैयार हो गया है. और अब इसे 15 मिनट्स के लिए हमें रखना है. तब तक हम स्टफिंग रेडी कर लेते हैं. सो अभी हम अपनी कढ़ाई को थोड़ा सा हीट करके इसमें ऑयल डालेंगे. ओके, तो अभी मैं जो वेजिटेबल्स हैं उनको चॉप करूंगी चॉपिंग बोर्ड पे. मेरे पास चॉपिंग नाइफ भी है. सबसे पहले हमें चाहिए हम जो मोमोज की स्टफिंग है उसको हम थोड़ा सा देसी स्टाइल बनाएंगे. तो इसलिए मैंने यहाँ पर लिए है कैप्सिकम्स, टोमेटो एंड अनियंस. तो अनियंस, कैप्सिकम और टोमेटो, इन तीनों को हम अच्छे से बहुत बारीक चॉप करेंगे. तो अगर आपसे चॉपिंग नहीं होती तो आप चॉपर भी यूज़ कर सकते हैं. सो अभी जो तड़का है इसे मैं अच्छे से फ्राई कर लूँगी एंड फ्राई करके इसकी स्टफिंग रेडी हो जाएगी. आप नमक मिर्च अपने हिसाब से डाल सकते हैं. तो इसके बाद अब मैं आपको दिखाती हूँ कैसे हम स्टीमर रेडी करेंगे होममेड. तो अभी जो आटा हमने गूंदा था उसकी मैंने एक लोई बना के उसे बेल लिया था. अब इसके बीच में आपको स्टफिंग रखनी है. स्टफिंग आप अपनी मर्जी के हिसाब से रख सकते हैं. तो अब मैं आपको सिखाती हूँ कैसे हम इसे अच्छे से कर सकते हैं. तो अब इसमें ऐसे ऐसे करके हमें चूड़ियाँ डालनी हैं. तो चूड़ियाँ डाल के इसे ऊपर ऐसे इकट्ठा करके ऐसे करके मोड़ देना है. एंड कोशिश कीजिए जितनी ज़्यादा थिन क्रस्ट हो सके इसकी, बिकॉज जो मोटी क्रस्ट होती है उसे ज़्यादातर सब लाइक नहीं करते हैं. स्टीमर मैंने कढ़ाई के ऊपर, कढ़ाई के बीच में पानी डाल के और उसके ऊपर एक होल्स वाली छन्नी रख दी है. तो आप भी ऐसे ही कर सकते हैं. तो ये जो है मोमोस ये 15 to 16 मिनट्स में रेडी हो जाएंगे फुल फ्लेम पे. एंड इसे ऊपर से ज़रूर ढकिएगा. Delicious momos are ready. This the recipe is made by Hardev Kaur from 8th standard. So thank you all.